अगर आप लोग भी दोस्तों आईफोन 11 लेने का सोच रहे हैं, अभी आने वाली सेल में ना आप लोग कंफ्यूज है कि बेहतर डील आप लोग कहां पर देखने के लिए मिलेगी, क्या फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज की सेल के अंदर आप लोग को इस बार आईफोन 11 ज्यादा सस्ता देखने के लिए मिलेगा, या फिर अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल में आईफोन 11 जो ज्यादा सस्ता देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस बार आप लोगों को आईफोन 11 सेल के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो काफी ज्यादा पुराना फोन हो चुका है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ जो ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोग जो लोएस्ट प्राइस के अंदर आईफोन 11 को परचेस कर पाएंगे, एंड अभी करंटली आप लोग जो फोन यूज कर रहे हैं अगर आप लोग उस फोन को एक्सचेंज करेंगे तब कितना एक्सचेंज बोनस आप लोग को आपके फोन का मिलेगा जो आप लोग करंटली यूज कर रहे हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। सारी बातें करेंगे, इसलिए बिना टाइम वेस्ट के चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों बात करें कि बीबीटी सेल आप लोग कब देखने के लिए मिलेगी। 3 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में आप लोग को बीबीटी सेल देखने के लिए मिलेगी। आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के ऊपर आप लोगों को ऑफर देखने के लिए मिलेगा, अप टू 1500 रुपए तक का ऑफ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा आईफोन 11 के ऊपर। और एक कोई कार्ड होगा दोस्तों जिसका कंफर्मेशन अब तक मेरे पास नहीं है, उसी के साथ साथ बात करें कि क्या कुछ प्राइस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। आईफोन 11 करंटली आप लोगों को 40,000 रुपए का देखने के लिए मिल रहा है, एंड इस साल की बीबीटी सेल के अंदर ये फोन का दोस्तों जो 64 GB वाला वेरियंट है वो आप लोगों को 24,000 रुपए का देखने के लिए मिलेगा, मतलब 23-24 हज़ार रुपये आप लोग मान के चल सकते हैं 23 से लेकर 24,000 रुपीज। एंड इसका जो 128 GB वाला वेरियंट है वो आप लोगों को 28,000 रुपीज के अप्रोक्स देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये कुछ प्राइजेस आप लोगों को भी आने वाली बीबीटी सेल के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। अब बात कर लेगी क्यों आप लोगों को आईफोन 11 को भी आने वाली बीबीटी सेल के अंदर परचेस करना चाहिए, क्यों आप लोगों को इस फोन को स्किप कर देना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग जो आईफोन 11 के कलर ऑप्शन की बात करें तो काफी सारे कलर ऑप्शन आप लोगों के पास आईफोन 11 में अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर ब्लैक, ग्रीन, येलो, पर्पल, रेड एंड व्हाइट, 6 कलर ऑप्शन में आप लोगों को आईफोन 11 देखने के लिए मिलता है। तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है भाई, कलर ऑप्शन आप लोगों के पास काफी ज्यादा है। जरा दोस्तों अब जो वेट की बात कर ले तो आईफोन 11 का दोस्तों जो वेट है वो है दोस्तों 194 ग्राम। अब जरा दोस्तों इस वाले फोन के डिस्प्ले की बात कर ले तो आप लोग को इस फोन के अंदर 6.1 इंचेस का एक लिक्विड रेटिना LED डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, एंड यहाँ पर आप लोग को LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग करी है भाई, ये जो फोन है ये 65,000 रुपीज का लॉन्च हुआ था, एंड यहाँ पर भी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर HD डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, मतलब फुल HD डिस्प्ले भी आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रहा है और LCD पैनल आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। और दोस्तों 15,000 रुपए के ऊपर जितने भी फोन अभी आ रहे हैं, मतलब एंड्रॉइड की अगर बात करूं मैं, तो वहां पर आप लोगों को AMOLED देखने के लिए मिल रहा है, 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल रहा है और बहुत कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा फीचर देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसे कुछ फीचर आप लोगों को आईफोन 11 के अंदर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अब दोस्तों जरा बात कर लें कि और क्या क्या है, तो यहां पर आप लोगों को 625 nits की जो इसके अंदर ब्राइटनेस देखने के लिए मिलती है। अगर दोस्तों आप लोग आईफोन 11 को जो धूप में यूज करेंगे या फिर अगर आप लोग आईफोन XR को भी अगर आप लोग धूप में यूज करेंगे तब दोनों फोन में दोस्तों आप लोगों को जो प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यहाँ पर 700 nits से जिन भी दोस्तों डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस कम होती है वो दोस्तों अगर कड़कती धूप है बाहर तब वो जो डिस्प्ले है वो जो विजिबल नहीं होते, आप लोग जो उसको धूप के अंदर देख नहीं सकते। तो भाई ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, ब्राइटनेस आप लोग काफी ज्यादा कम देखने के लिए मिलती है। अगर आप लोग को जो कॉन्टेंट वॉचिंग का जो एक्सपीरियंस है मतलब ओवरऑल वो जो है बेकार हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम भी आप लोग को आईफोन XR एंड आईफोन 11 दोनों के अंदर देखने के लिए मिलती है। अब जरा दोस्तों बात कर ले कैमरा डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर मैं एक कैच है कि यहाँ पर जो आईफोन XR है उसके अंदर आप लोग को सिंगल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है, वहीं यहाँ पर जो आईफोन 11 है उसके अंदर आप लोग को डुअल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। एंड यहाँ पर दोनों की दोस्तों जो सेंसर है वो जो 12-12 मेगापिक्सल के सेंसर है जो प्राइमरी सेंसर है, तो वहाँ पर आप लोग जो सेम क्वालिटी की फोटो क्लिक कर पाते हैं दोनों फोन से। तो दोनों फोन के अंदर यहाँ पर कैमरा डिपार्टमेंट में जो इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बस हाँ यहाँ पर जो आईफोन 11 है उसके अंदर आप लोग को अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन दिया गया है जो कि आप लोग को आईफोन XR के अंदर नहीं मिलता है, एंड आईफोन XR के अंदर आप लोग को सिंगल कैमरा मिलता है। अब दोस्तों बात कर ले मेन प्रॉब्लम की, आईफोन 11 के अंदर मेन प्रॉब्लम आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों यह है कि यहाँ पर इसका जो प्रोसेसर है ये जो काफी ज्यादा हीट होता है, मतलब कि अगर आप लोग जो गेमिंग वेमिंग कर रहे हैं तब दोस्तों 15-20 मिनट के अंदर ही फोन जो इतना ज्यादा हीट हो जाता है, मतलब एक हद तक दोस्तों फोन का हीट होना अच्छा माना जाता है, लेकिन दोस्तों आईफोन 11 काफी ज्यादा ओवर हीट होता है। तो ये प्रॉब्लम इस फोन के अंदर है, एंड उसी के साथ साथ ये फोन दोस्तों 5G भी नहीं है, मतलब अब तो दोस्तों 2023 के अंदर आप लोगों को ही मालूम है 5G लॉन्च हो चुका है, जितनी भी दोस्तों जो छोटी छोटी सिटी है वहां पर भी 5G आ चुके हैं, एंड 2-3 साल बाद दोस्तों 4G इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहेगा। तो अगर आप लोग जो आज एक आईफोन परचेस कर रहे हैं तब कम से कम आप लोग जो उसको 3-4 साल तो चलाएंगे, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेकार ऑप्शन बन जाता है आईफोन 11 को परचेस करना, एंड यहाँ पर आप लोग इसके अंदर कोई भी हैवी टास्क इतने ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर आप लोग का दोस्तों बजट इतना ही है तब दोस्तों बेटर ऑप्शन ये है कि आप लोग जो XR खरीद ले, XR के अंदर भी दोस्तों आप लोगों को भरपूर इतने ही फीचर देखने के लिए मिलते हैं जितने कि आप लोगों को आईफोन 11 के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो आईफोन 11 को दोस्तों फिर जो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज की सेल में परचेस करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी कोई दम वाली बात आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो अगर दोस्तों अब आप लोगों से फाइनल कंक्लूजन की बात कर लूँ तो दोस्तों अगर आप लोग आईफोन 11 लेना चाहते हैं एक बहुत अच्छा डिसीजन है दोस्तों,
क्योंकि आईफोन 11 के ऊपर इस बार दोस्तों इतना कोई ज़्यादा रश रहने नहीं वाला है। एंड आईफोन 11 का प्राइस भी दोस्तों इतने ज़्यादा जल्दी नहीं बढ़ेगा, तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा या फिर प्राइस बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों आईफोन 11 के साथ इस बार नहीं होने वाली है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बताते चलूँ कि आईफोन 11 कम से कम दोस्तों 3 साल और रिलेवेंट रहने वाला है, मतलब 3 साल तक अभी आप लोगों को उसके अंदर अपडेट वगैरह सारी कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। मतलब कि दोस्तों आईफोन 11 जो है कोई इतना ज़्यादा जल्दी आउटडेटेड नहीं होगा। आप लोग जो दोस्तों परचेस कर लीजिए, आप लोग जो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एक अच्छा फोन है दोस्तों, अच्छी परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, अच्छा कैमरा सेटअप आप लोगों को देखने के लिए मिलता है और दोस्तों आप लोगों को एक लंबी बैटरी लाइफ देखने के लिए मिलती है क्योंकि एक 4G फोन है। तो दोस्तों बस ये सारी कहानी थी आईफोन 11 की अभी आने वाली सेल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को आईफोन 11 से रिलेटेड अगर आप लोग कोई भी सवाल हो नीचे जो कमेंट करना मत भूलना, मैं पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल के इतना ही दोस्तों, मैं चाहता हूँ इजाजत, अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।